सदियों पहले मुस्लिम आक्रांताओं का दंश झेल चुकी धार की ऐतिहासिक भोजशाला में वर्षों से चले आ रहे हिंदू मुस्लिम अधिकारों के विवाद के बाद सच्चाई जानने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद से चल रहे एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे का चौथा दिन है, जहां आज सुबह 7:50 पर सर्वे टीम ने प्रवेश किया। इस सर्वे के साथ साथ मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद द्वारा लगातार पूरे वैज्ञानिक सर्वे पर रोज अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे और सर्वे टीम पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के आरोपों पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो सर्वे के तीसरे दिन कल रविवार को भोजशाला के पिछले हिस्से में कुछ चिन्हित स्थानों पर एएसआई की 3 टीमों व 1 टीम अंदर कुल 4 टीम सर्वे का काम कर रही है। पिछले हिस्से में दीवारों के सहारे हल्की खुदाई की जा रही है, वहीं अंदर स्तंभों को केमिकल से साफ किया जाकर कार्बन डेटिंग किया जा रहा है और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा कल भोजशाला क्षेत्र के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई, जिसमें भोजशाला के ऊपर या आसपास ड्रोन कैमरे प्रतिबंधित, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित के साथ ही भोजशाला परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक और असत्य खबरें ना भेजने, अफवाह ना फैलाने की भी अपील की गई है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान ने पिछले 2 दिनों की तरह सर्वे को लेकर आज फिर मीडिया के सामने नया आरोप लगाया कि सर्वे टीम में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, जबकि इंदौर हाईकोर्ट का आदेश है कि सर्वे टीम में दोनों ही कम्युनिटी के लोग होना चाहिए, परंतु सर्वे टीम में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। अब इस सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जाना ही लोगों के गले नहीं उतर रहा और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अधिकारियों ने तो अभी तक कोई उसका जवाब नहीं दिया। मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी दिन में और शाम को मैंने मेल भी किया है। और कल के दिन की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, आदेश में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वे टीम में दोनों कम्युनिटी के लोग बराबरी से होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कम्युनिटी के लोग उसमें हैं, उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो सबसे बड़ी आपत्ति है मुस्लिम समाज की तरफ। आपकी ओर से कितने लोग हैं? हमारी ओर से एक ही लोग। और उधर हिंदू पक्ष उधर 2 लोग हैं, गोपाल शर्मा जी और आशीष गोयल जी। आपकी कम्युनिटी में क्यों लोग शामिल नहीं हो पा रहे थे? नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ सर्वे टीम की करूँ। उसमें सर्वे टीम को माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जो आदेश दिया है सर्वे करने का, उसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो टीम बनाए उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग लें, हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग जो अधिकारी लेवल पे है लें अगर हो तो। लेकिन अभी तक तो सिर्फ उसमें एक ही कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं। मतलब आप टीम पे लेके आपत्ति ले रहे हैं, टीम में मुस्लिम समाज के लोग भी होना चाहिए? तो ऐसा पता चला है कि जो टीम आई हुई है उसमें दोनों समाज के लोग हैं, जानकारी नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं तो अंदर हूँ।